Run, run, I'm gonna get it. I'm in it. Stop me, don't make the same mistake. They tried to copy, but they can't take my place. Hi guys, welcome to my channel. दोस्तों, आपने बहुत सारे ट्रिपल रोल डबल रोल वाले वीडियो देखे होंगे और आपने कई सारे ट्यूटोरियल भी देखे होंगे, पर ये वीडियो उन सबसे अलग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कोई यूट्यूबर ये बात आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, ट्रिपल लॉल डबल लॉल वाले वीडियो में आपको हमेशा लाइनिंग का प्रॉब्लम मिलता होगा, चाहे आप उसको कितना भी एडिट कर लें वो नहीं जाता। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो सारा प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। जो बंदे पीसी एडिटिंग करते हैं उनको इस तरह की वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर जो मोबाइल एडिटिंग करते हैं उनको प्रॉब्लम आता ही आता है गाइस। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, जब आप शूटिंग करें तो आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल का जो कैमरा है उससे आपको शूटिंग नहीं करना है। अब आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपको इससे शूटिंग नहीं करना है। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है ओपन कैमरा, और वो एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना गाइस। मैं आपको बता दूँ कि सारे जो यूट्यूबर हैं इसी से वीडियो बनाते हैं गाइस, और इसी से अच्छा वीडियो बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसका जो धमाकेदार फीचर्स है वो आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके शूटिंग में काफ़ी फायदेमंद है गाइस, और आपके शूटिंग को काफ़ी एनहेंस कर देगा। ये देखिए, आपका जो नॉर्मल कैमरा है वो इस तरह से बिहेव करता है, जैसे आप नीचे करेंगे तो उसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है, और जैसे आप ऊपर करेंगे तो उसका जो ब्राइटनेस है धीरे धीरे लो हो जाता है, और आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। पर इसमें एक ऐसा धमाकेदार फीचर है दोस्तों, जिससे कि आपका जो एक्सपोजर है वो आप लॉक कर सकते हैं, और आपका जो लाइटिंग है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, आपको जो लेफ्ट साइड में आपको सबसे नीचे एक ताला का ऑप्शन दिया है, उसको आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो एक्सपोजर है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कैमरा को कितना भी घुमाएंगे गाइस, वो आपका जो लाइट लॉक हो गया है वो नहीं हिलेगा गाइस। और इस तरह की वीडियो जो आप शूट करते हैं ट्रिपल रोल डबल रोल, उसमें आपको यही काम करता है दोस्तों, जिससे कि आपका जो वो लाइनिंग वाला प्रॉब्लम है वो नहीं आता है, क्योंकि इसका जो लाइट है आपका लॉक हो गया है, और उसके बाद आपका जो शूटिंग है वो आपका काफ़ी एनहेंस हो जाता है और आपको इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बाद आपको अपने वीडियो को, दोनों वीडियो को शूट करना है, तो हम बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से शूट करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला वीडियो को आपको कुछ इस प्रकार से शूट कर लेना है, आपको एक साइड मार देना लेफ्ट साइड में, और आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग करना है गाइस, आपको लॉक करना है एक्सपोजर को, और उसके बाद आपको सेकंड वीडियो को भी आपको इसी तरह से शूट करना है राइट साइड में जाकर, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आपको अपने कैनवास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और 9:16 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है, और आप जिस वीडियो को शूट किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम अपने दोनों वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ओके करना है। आपका यहाँ पे देखिए दोनों वीडियो सिलेक्ट होके आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सेकेंड वाले वीडियो पर आपको क्लिक करना है, 3-डॉट आइकन पर आपको क्लिक करना है, और इसको डुप्लीकेट एज लेयर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको ड्रैग करते हुए इसको आपको आगे लेते आना है, ठीक है। और आपको इस वाले वीडियो को डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको अपने लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए कैंची के बगल में एक ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, और आपको 6th नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है इतना, ठीक। उसके बाद ओके करना है। यहाँ पर देखिए आपका वीडियो लगभग मैचिंग हो जाएगा, क्योंकि आपने ओपन कैमरा से वीडियो को शूट किया। थोड़ा सा यहाँ पर माइनर लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको जिस वाले वीडियो पे देखने को मिलेगा उस वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, आपको एडजस्टमेंट वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाएगा। हमको एक बार बड़ा करते हैं, ये देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे वीडियो देखिएगा परफेक्टली मैच हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप दो अलग अलग वीडियो शूट किए हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली मैच होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना काम आपका हो गया, आपका वीडियो पीसी की तरह यहाँ पे यहाँ तक एडिट हो गया। अब आपको यहाँ पे इफेक्ट लगाना है,
सूरज वाला और प्लेन वाला, तो चलिए उसको भी यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं। दोस्तों इफेक्ट लगाने के पहले हम यहाँ पे अपने दोनों वीडियो के एक्टिंग को यहाँ पे आपको मैच करना, तो एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं कि क्या मेरा यहाँ पे मैच है कि नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा दोनों वीडियो मिसमैच है, तो सबसे पहले हमको अपने वीडियो को मैच करना है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा कुछ ट्रिम कर लेते हैं, अपने सेकंड वाले वीडियो पे हम जाएंगे और इसको कैंची पे जाने के बाद थोड़ा सा इसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरा मैच हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लगभग मेरा परफेक्टली मैच हो गया गाइस। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे आप गन शॉट किए हैं उस वाले पोजीशन पे आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको सन वाला फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट हम उस वाले वीडियो को यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको लेयर वाले जो सन का PNG है उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है, देखिए यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको 3 नंबर वाला जो है मल्टीपल उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे देखिए परफेक्टली यहाँ पे लगेगा कि आपका सन यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको ओके करना है और उसके बाद आपको इस वाले पोजिशन पर थोड़ा सा यहाँ पर आ जाना है और फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और इस बार आपको एरोप्लेन वाला को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे गाइस, आप उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले को सबसे पहले आपको यहाँ तक कुछ कर देना है एक्सटेंड, ठीक है। और आपको सूरज वाले वीडियो को भी आपको फुल लास्ट तक एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है और इसको यहाँ पे लेते आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेते आना है गाइस और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाबी वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और आपको लास्ट पे आ जाना है। आपको यहाँ पे चाबी लगा देना है लास्ट पे आने के बाद और इसको आपको ड्रैग करते हुए इसको यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देना है, ठीक है। अब आपका देखिए वीडियो यहाँ से कुछ इस तरह से बन जाएगा गाइस, ये देखिए। आप देख सकते हैं गाइस आपका जो एरोप्लेन का स्पीड है थोड़ा सा स्लो है, तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन को इस तरह से आपको घटा देना है। अब आपका देखिए यहाँ पे एरोप्लेन फास्टली आपका मूव करेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साउंड लगाना है, तो आप अपने मनपसंद साउंड को यहाँ पे लगा सकते हैं या तो आप टिकटॉक पे जाकर के वहाँ से भी साउंड को लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपका वीडियो यहाँ पे परफेक्टली बन के रेडी हो गया गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको फुल HD में एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करें गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।